सुंदर गोपालम उर्वरमालम नयन विशालम दुखहरम वृंदावन चंद्रम आनंदगंधम परमानंदम धरणिधरम वल्लभगन श्यामम पूरण कामम अत्यभिरामं प्रीतिकरं भजनंद कुमारं सर्वसुखसारं तत्वविचारं ब्रह्मपरं। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की गुड लक में। हर रोज की तरह हम आपके समक्ष उपस्थित हैं आपकी किस्मत के सितारों की चाल को बताने वाले शो को लेकर जिसका नाम है आज के गुड लक। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। जय श्री कृष्ण। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज के दिन अधर्म पर धर्म की विजय के लिए और धर्म की पुनर्संस्थापना के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वाले दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की सही प्रकार से पूरे विश्व में स्थापना करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और सब प्रकार से कृष्ण को किस प्रकार से आप स्मरण करें, समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कौन से खास उपाय आज करके आप परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ये सारे उपाय हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। पंचांग के अनुसार से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि का योग है, सोमवार का दिन है और प्रातःकाल कृतिका नक्षत्र कुछ देर के लिए विद्यमान है और 6:38 पर यानी अभी कुछ ही देर में रोहिणी नक्षत्र का आगमन हो रहा है। और इस बार जन्माष्टमी बेहद खास है। बहुत वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि स्मार्ट और वैष्णव एक ही योग में जन्माष्टमी मनाएंगे। ऐसा सुंदर योग बन रहा है तो इसलिए आनंद के साथ भगवान कृष्ण के का संस्मरण करते हुए आज व्रत अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शुभ मुहूर्त का समय जो है आप नोट कर लीजिए, सुबह 6:38 से सर्वाध सिद्ध योग बन जाएगा, जो पूरी रात विद्यमान रहेगा। राहुकाल से बचने का प्रयास करने का आप करना चाहिए। राहुकाल का समय रहेगा आज 8:26 से लेकर 9:49 तक, ये राहुकाल का समय है। इससे बचते हुए शुभ मुहूर्त का लाभ लीजिए, जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। भगवान राम का जन्म वृक लग्न में हुआ और वृक लग्न सबसे ज्यादा आज की तारीख में इसमें जन्माष्टमी के समय सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो दिल्ली से लेकर मुख्य मुख्य नगरों में कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा जिस समय भगवान की आपको आराधना करनी है, शाम के समय उनका जन्म का अभिषेक करना है, उसका समय सबसे पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि मुहूर्त वही सबसे खास है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो वृक लग्न का आगमन होगा वो 11:50 से लेकर रात को 1:30 के बीच में रहेगा। मुंबई में 12:30 से लेकर 1:30 तक, जयपुर में 11:55 से लेकर 1:30 तक, मथुरा में जो सबसे सुश्रेष्ठ काल रहेगा वो 11:50 से लेकर 1:30 तक, भोपाल में वही समय 11:55 से 1:30 तक, कलकत्ता में 11:15 से लेकर 1:15 के बीच में वृक लग्न रहेगी और जालंधर में यदि नोट करना चाहे तो 11:55 से 1:30 तक, और द्वारका में खासतौर पे वहाँ पर बड़े आनंद से सब पूरे तो पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व में आनंद के साथ जन्माष्टमी मनाई जाती है और वहाँ का दर्शन भगवान का करने का लाभ जो पुण्य का समय है रात्रि को 12:35 से लेकर 1:30 तक का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा, तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। भगवान का पूजन करने के लिए विशेष सामग्री भी नोट कर लीजिए, क्योंकि भगवान का पूजन किस प्रकार से श्रद्धा भाव से आपको करना है। शंख, पंचपात्र, केसर, गंगा जल, चंदन, दूध, दही, घी और शहद, मेवा, खांड और 56 के भोजनों का भगवान को खासतौर पर भोग लगाया जाता है। तो 56 के भोजन या अपनी शक्ति के अनुसार से जितने भी रख सकें वो आपकी इच्छा के अनुसार से। वस्त्र श्रृंगार के लिए का सामान मोर मुकुट विशेष तौर पर भगवान को आज उनको पहनाया जाता है तो वो विशेष तौर पर रखें। धूप, दीप, नैवेद्य, कपूर, इलायची, कमल के पुष्प, माखन मिश्री और तुलसी, ये बड़ा विशेष है कि उनको भगवान को सबसे ज़्यादा पसंद माखन मिश्री है तो उनको विशेष तौर पर वो अवश्य पूजन सामग्री में रखने का प्रयास करें। और पंचामृत बनाएं। पंचामृत बनाने के लिए क्या क्या सामान किस प्रकार से लेना है नोट कर लीजिए। 1 चांदी के पात्र में दूध लेकर दूध के बराबर ही दही को मिलाने का प्रयास करें। दूध दही में खासतौर पर 1/10 घी मिलाएं, जितना दूध और दही हो उसका 1/10 घी, और उसके बाद घी का 2 शहद मिलाकर अंत में चीनी बराबर मात्रा में देसी खांड मिलाएं। इन सबको मिलाकर पंचपात्र में रख ले और खासतौर पर चांदी के पात्र में, भूलकर भी ताम्रपत्र में इनको मत रखिएगा, क्योंकि ताम्रपत्र में कभी भी दूध इत्यादि, दही इत्यादि नहीं रखना चाहिए, वो जहर बन जाता है और शुद्ध नहीं रहता, तो इसलिए चांदी के पात्र में रख ले तो सबसे श्रेष्ठ है। इसके साथ साथ चांदी पात्र में रखकर शंख के द्वारा भगवान का जब जो मुहूर्त होता है उसमें अभिषेक करें। पूजन की विधि क्या है सबसे पहले वो नोट कर लें। सबसे पहले तो आपको आचमन कर लेना चाहिए, ओम का उच्चारण करते हैं या ओम
नारायणाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन कर लें। फिर संकल्प करें कि आप किस गोत्र में आज किस समय बैठकर घर में भगवान का कर रहे हैं, उसके बाद भगवान का आवाहन करें। फिर शंख में, पंचपात्र में, खासतौर में शंख में ये सारा जो दाल का सामान भगवान को समर्पित करें, उनको स्नान कराएं और फिर मोर मुकुट इत्यादि, श्रृंगार इत्यादि भगवान को सामग्री समर्पित करते हुए पंचोपचार, षोडशोपचार उनका पूजन करने का प्रयास करें। फूल उनको समर्पित करें और फिर आरती उनकी करें और आखिरी में फिर भोग लगाएं भगवान को। और भोग के लिए तो 56 भोग इत्यादि समस्त सामग्री शास्त्र में उपस्थित ही हैं, परंतु विशेष तौर पर मक्खन, मिश्री और तुलसी अवश्य डालने का प्रयास कीजिएगा। तुलसी के बिना भगवान को भोग नहीं लगता। तो भगवान विष्णु का खासतौर पर कोई भी पूजन, किसी भी अवतार का पूजन भगवान विष्णु के बिना तुलसी के पूजा नहीं होता। उसके बाद उनकी पुष्पांजलि करें, आरती करें और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए पूरी रात जागरण करने का प्रयास करें। बड़ा सुंदर काल है जन्माष्टमी का समय कहा जाता है कि ऐसे में जो खासतौर पर हर व्यक्ति को अवश्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत करने का प्रयास करना चाहिए। और कौन से खास उपाय आपकी राशि के अनुसार से करना है आपको, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। कैसे पूजन होगा और किस प्रकार से भगवान को झूले झुलाने, कैसे और क्या भगवान को भोग लगाएं, बड़ी एक विशेष तौर पर आज के दिन हमारी भारतीय संस्कृति में जो भगवान का भोग लगता है वो भी विशेष तौर की मिठाइयाँ हैं, यानी मगज़ की मिठाई, गोंद की मिठाई, धनिये की मिठाई, ये सब औषधियाँ हैं। इन सबको हम भगवान को समर्पित करते हैं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से क्या भगवान के लिए आपका मंत्र रहेगा, कौन से स्वरूप का ध्यान करें भगवान की, ये सारी बातें आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, भाग्य आज आपके साथ है परंतु फिर भी सफलता में थोड़ी किसी प्रकार से कमी दिखाई देती है। क्रोध और जिद हानि करा सकते हैं। आज अच्छे दोस्त आपसे दूर हो सकते हैं, इसलिए क्रोध को त्यागने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण का स्तवन करें, उन्हें लाल वस्त्र समर्पित करना आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ है। और भगवान को झूला विशेष तौर पर झुलाएं। 9 बार आपकी राशि के अनुसार से अंक निकलता है वो झूला झुलाएंगे। और बांसुरी भगवान को किस प्रकार की समर्पित करें, लकड़ी की लाल रंग की बांसुरी आपकी राशि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ मुहूर्त बनाएगी, जीवन में उत्थान के योग बनाएगी। मिठाई गोंद के लड्डू या शकरकंद के पकवान भगवान को नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। मंत्र के रूप में जिस मंत्र का जप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, देखिए ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, कृष्ण आपके जीवन में आनंद उपस्थित करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज अचानक धन का आगमन होता दिखाई दे रहा है, परंतु सोच समझकर ही पैसे का उपयोग करने का प्रयास कीजिएगा, कहीं पर्चे अधिक ना हो जाए। निवेश के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है, सही समय का इंतजार कर लीजिए। उपाय आज कौन से करने, किस प्रकार से भगवान को का पूजन करना है, वस्त्र भगवान को समर्पित करते हुए रेशमी जरी युक्त वस्त्र जो है वो आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ दिखाई देते हैं। भगवान को 6 बार झूला अवश्य झुलाएं, आपकी राशि के अनुसार से 6 नंबर बड़ा श्रेष्ठ है आपके लिए। बांसुरी, चमकीले रंग की सितारों वाली बांसुरी भगवान को अर्पित करें, आपकी राशि के अनुसार से बड़ा आपको लाभ देगी। और मगज की मिठाई नैवेद्य के रूप में 5 मगजों की मिठाई बनाकर, चीनी से बनाकर घर में बनाइए, श्रद्धा के साथ बनाइए। बाजार की लाई हुई मिठाई पता नहीं कैसी होगी, तो घर में बड़ी श्रद्धा से बनाएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और मंत्र ओम नमो भगवते द्वारकाधीशाय नमः, इस मंत्र का जप यथाउचित भाव से करें, कल्याण होगा। राशि में तो हम लगातार आपको बता रहे हैं, लगातार लोगों के व्हाट्सएप भी आ रहे हैं। गाजियाबाद से अभी एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया है अरुण जी का, और अरुण जी का कहना है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने का वो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन भी लेना चाहते हैं, परंतु ऐसा लगता है जीवन में सब कुछ रुक सा गया है। और बहुत सारे लोगों के साथ, दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ भी इस प्रकार की समस्या आ रही होगी। बहुत कुछ करना चाहते हैं परंतु पढ़ाई में आगे बढ़ने का योग नहीं बन रहा है। चिंता ना करें, आपकी पढ़ाई का सपना अवश्य पूरा होगा। उसके लिए हम एक दिव्य उपाय बताने जा रहे हैं, नोट कर सकते हैं। बुधवार के दिन, यानी हर बुधवार के दिन ओम गंग गणपतये नमः। देखिए विद्या के देव जो स्वामी है वो गणेश जी है, समस्त ज्ञान के स्वामी गणेश जी कहे जाते हैं। तो हर बुधवार को गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें और 108 बार जप करते हुए 108 दूर्वा अंगूर उनको समर्पित किया करें। देखिएगा धीरे धीरे श्री गणेश का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और पढ़ाई, विद्या में, अध्ययन में जितने जो अवरोध इकट्ठे हो रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे ये प्रयास करें, लाभ प्राप्त होगा। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज उत्तर दिशा की यात्रा आपको लाभ देती दिखाई दे रही है, परंतु दक्षिण की यात्रा को आप टालने का प्रयास कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज बाहर वालों को तो छोड़िए, आज कोई आपका अपना भी वादा तोड़ सकता है, इसलिए पहले से व्यवस्था करके रखें। आज जन्माष्टमी है तो भगवान का स्तवन करें और उनको
हरे चमकीले वस्त्र समर्पित करेंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। उनको झूला चुराएं 5 बार। आप मिथुन राशि वालों के हिसाब से ये बड़ा नंबर बड़ा शुभ दिखाई देता है। बांसुरी, हरे रंग की घुंघरू लगी बांसुरी भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, जैसे उसकी आवाज़ होगी आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। मिठाई, पिस्ते की मिठाई नैवेद्य के रूप में बनाकर घर में भगवान को समर्पित करें, कल्याण होगा। मंत्र, ओम नमो भगवते शांति दुधाए नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। मां अंबे करेंगी कल्याण, आज किसी के अपने काम से काम रखने का प्रयास कर, किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में ना आए और न किसी दूसरे के व्यक्ति के काम में टांग अड़ाएं। आज लोगों को आपकी ईमानदारी पर शक हो सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, अपने काम से काम रखने का प्रयास करना चाहिए। जन्माष्टमी तो है, भगवान को किस प्रकार से पसंद करें उनको चमकीले जरी वाले वस्त्र अर्पित करें आप, और बड़े श्रृंगार बड़े आनंद के साथ करें। 2 बार झूला जरूर झुलाइएगा, ज़्यादा भी झुला सकते हैं, 2 तो अवश्य उनको भगवान को नंद गोपाल को ध्यान करते हुए देने का प्रयास करें। और चांदी और सफ़ेद रंग की बांसुरी, चांदी की या सफ़ेद रंग की बांस की बांसुरी उनको समर्पित करें, देखिए ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा। काजू या खरबूजे के बीजों की जो नैवेद्य बनाकर उनको समर्पित करें। ओम नमो भगवते गोपीजन वल्लभाय नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें, देखिए आपको ईश्वर का परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। माम में करेंगे कल्याण, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। देखिए आपकी राशि के अनुसार से आज कोई काम पूर्ण होने का करने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा दिखाई देता है काफ़ी हद तक सफलता भी पा सकते हैं। आज सम्मान बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, कृष्ण की जन्माष्टमी है और ऐसी जन्माष्टमी के अवसर पर आप कोशिश ये करें भगवान को चमकीले स्वर्णिम गोटे वाले वस्त्र समर्पित करने का प्रयास कीजिए, अपने हाथ से उनको पहनाइए। देखिए घर घर में हमारे यहाँ व्यवस्था थी अनादिकाल से कि आज सब लोग भगवान की झांकी बनाते थे, और उससे हम लोग भगवान के दास बन जाते हैं और उनके खासतौर पर उनका ही स्मरण मन में रहता है जब उस झांकी को बनाने का प्रयास करते हैं। तो गोटे वाले वस्त्र उनको धारण कराएं, और साथ साथ 10 बार झूला अवश्य झुलाएगा भगवान को। देखिए हर झूले के साथ भगवान आपकी मनोकामना पूर्ति की तरफ जाएंगे, आपके मनोकामना पूर्ति के योग बनेंगे। सुनहरे रंग की या सोने की बांसुरी भगवान को अर्पित करें, कल्याण होगा। गुलाब और अखरोट की और सीताफल के बीजों से बनी हुई नैवेद्य जो भगवान को समर्पित करेंगे, प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मंत्र भी नोट कर लीजिए, ओम श्री धराय नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें, इसी नाम का संकीर्तन करें, देखिए ईश्वर अवश्य प्रसन्न होंगे। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज धन अवश्य लाभ होता दिखाई दे रहा है, परंतु सफलता के लिए आप जो अग्रसित होंगे तो लोग आपसे ईर्ष्या थोड़ी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहने का प्रयास करें। कृष्ण का स्मरण करें, देखिए भगवान कृष्ण का स्मरण करने से सब मित्र बन जाएंगे आपके, और उनको वस्त्र के रूप में चमकीले हरे वस्त्र समर्पित करें जरी वाले, देखिएगा ईश्वर की प्रसन्नता ईश्वर का आशीर्वाद आपको बड़े रूप में मिलेगा। 5 बार झूला झुलाइए भगवान को, देखिए कम से कम 5 बार तो झुलाने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। हरे रंग की मांस की बांसुरी भगवान को समर्पित करें। चौलाई की मिठाई या परवल जो कि बने हुए जो पकवान होते हैं वो नैवेद्य के रूप में भगवान को समर्पित करें। ओम नमो भगवते योगेश्वराय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए उनका स्मरण करें, देखिए लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, ईश्वर की कृपा आप पर होगी। लगातार लोगों के व्हाट्सएप आ रहे हैं स्वप्न विज्ञान के संबंध में, हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, और देखिए सपने तो भविष्य बताते हैं, ये लोगों को पता है। एक व्हाट्सएप से मैसेज आया है हमारे पास विनोद जी का रतलाम से, और उनका कहना है कि उन्होंने सपने में खुद को पेड़ पे चढ़ते हुए देखा, और वो जानना चाहते हैं इसका फल क्या है। देखिए विनोद जी, पेड़ पर खुद को चढ़ते हुए देखना बड़ा आनंददायक स्वप्न है, शुभ स्वप्न है, इसका अर्थ है कि जल्दी ही परेशानी समाप्त होने को है, शत्रु पराजित होते दिखाई दे रहे हैं, यानी जो भी आप काम करेंगे उसमें कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलेंगे अवश्य, तो आनंद के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। जन्माष्टमी है, भगवान का आशीर्वाद भी ले लीजिए और उनके नाम का संकीर्तन कर लीजिए, माखन मिश्री का भोग लगाइए, कल्याण प्राप्त होगा। एक और व्हाट्सएप मैसेज आया है दिल्ली से राहुल जी का, और उनका कहना है कि उन्होंने सपने में देखा राज दरबार, और जानना चाहते हैं कि इस राज दरबार को देखना, यानी राज दरबार को देखना क्या प्रभाव है उसका। इसका अर्थ है कि आप खास तौर पे असत्यवादी होने वाले हैं, बड़ा विचित्र प्रश्न है जो आपने देखा राज दरबार देखना, और इसका फल ऐसा लिखा है स्वप्न विज्ञान के अंदर कि व्यक्ति यदि ऐसा देखे राज दरबार राजा बैठा हुआ देखे, या आज की तारीख में कोई पार्लियामेंट हाउस देख ले सपने के अंदर, या सांसद देख ले, या असेंबली देख ले, तो समझ लीजिए, या किसी बड़े व्यक्ति को देख ले
राष्ट्रपति को देख ले सपने के अंदर, यानी उसका प्रभाव ऐसा होगा कि वो असत्यवादी हो सकता है आने वाले समय में, असत्य का साथ देने के योग बनते दिखाई दे रहे। तो राहुल जी, आपको संकेत मिल रहा है कि आने वाला समय आपको गलत तरफ ले जा सकता है, इसलिए कोशिश करें सही तरफ जाने का प्रयास करें और भगवान कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर उनका खासतौर पर 108 बार जप कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपके स्वप्न का जो प्रभाव है वो निष्फल होगा, शुभ होगा। मामले करेंगे कल्याण तुला राशि वालों के लिए। आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज किस्मत आपके साथ दिखाई देती है तुला राशि वालों। आज प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की आवश्यकता है, जो भी काम करें प्रैक्टिकल अप्रोच, कॉन्सेप्चुअल लाइफ नहीं, प्रैक्टिकल काम करने का प्रयास करें। पैसों के हिसाब से, धन के हिसाब से भी आज का दिन अच्छा दिखाई देता है। जन्माष्टमी है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए चमकीले रेशमी नगयुक्त वस्त्र उनको अर्पित करने का प्रयास करें। 7 बार भगवान को झूला अवश्य झुलाएगा। झूला झुलाने के लिए जैसे जन्म हो स्नान इत्यादि कराकर उनको झुलाएं, देखिए कल्याण प्राप्त होगा। बांसुरी, चमकीले रंग की सितारों वाली बांसुरी भगवान को समर्पित करें। 5 मगज की मिठाई नैवेद्य के रूप में चीनी युक्त बनाकर उनको समर्पित करें, फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ओम नमो भगवते दामोदराय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान का स्मरण करें, कल्याण होगा। वृश्चिक राशि वालों के साथ क्या कुछ होने के योग है जान लीजिए। आज सीधे काम उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं, पहले संभलने का प्रयास करें, पहले जो कदम उठा रहे हैं उसको ही संभाल कर उठाने का प्रयास कीजिएगा। किसी खास व्यक्ति से मदद करते मिलती दिखाई दे रही है, किसी खास व्यक्ति आपकी मदद भी कर सकता है। आप उपाय के तौर पर जन्माष्टमी के दिन कुछ खास काम कर लीजिए, देखिए आपके सब काम सीधे हो जाएंगे। लाल जरी वाले वस्त्र भगवान को समर्पित करें, 9 बार भगवान को झूला झुलाएं, लकड़ी की लाल रंग की बांसुरी भगवान को समर्पित करें, गोंद के लड्डू, सिंघाड़े की मिठाई वाले खासतौर पे जो मिठाई बनी हुई हो उसको नैवेद्य के रूप में भगवान को समर्पित करें। ओम कृष्णाय नमः, इसका 108 बार जप कर लीजिए, देखिए भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपके साथ हो जाएगा। मामले करेंगे कल्याण। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राशि नंबर 9 धनु राशि वालों। आज लक्ष्य प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, कड़ी मेहनत से आप चर्चा में रहते दिखाई दे रहे हैं, भाग्य आपके साथ है, सोचे हुए काम अवश्य बन सकते हैं। योग सुंदर है तो उसको और सुहागा चाहते हैं, सोने पर सुहागा, तो भगवान कृष्ण को आज वस्त्र के रूप में पीले रेशमी चमक जो चमकदार वस्त्र हैं नगोयुक्त वो अर्पित करने का प्रयास करें। 3 बार भगवान को झूला अवश्य झुलाएं, बांस की बांसुरी भगवान को अर्पित करें, नारियल और केसर की बने हुए मिठाई नैवेद्य के रूप में भगवान को चढ़ाएं। ओम ऋषिकेशाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान का स्मरण करें, कल्याण होगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन लाभप्रद दिखाई देता है, पुराने निवेश आज लाभ देते दिखाई दे रहे हैं। मौज मस्ती के योग है, भगवान का स्मरण अवश्य कीजिएगा, मौज मस्ती के साथ साथ कल्याण होगा। वस्त्र के रूप में नीले वस्त्र और खासतौर पर पंखा युक्त मोर पंखे युक्त 7 भगवान को समर्पित अवश्य कीजिएगा। 8 बार भगवान को झूला झुलाएं, काले रंग की खांड से खासतौर पे जो खांड भरी हुई बांसुरी जो है वो भगवान को समर्पित करें, जैसे छोटे बच्चों को देते हैं खांड की बनी हुई खिलौने होते हैं ना, उसी प्रकार की खांड की बनी हुई बांसुरी भगवान को समर्पित करें, देखिए कल्याण प्राप्त होगा। सफ़ेद तिल और खासतौर पर तरबूजे के बीज की बनी हुई मिठाई भगवान को समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन दिखाई दे रहा है, लाभ के दिखाई देते हैं, परंतु आपके साझेदार, आपके पार्टनर्स, आपके साथ काम करने वाले लोग कुछ आपको परेशान कर सकते हैं, उनसे सावधान रहने का प्रयास करें। मित्र और परिवार के साथ वक्त बीतता दिखाई दे रहा है, भगवान कृष्ण का स्मरण करें, आपके समस्त अनिष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे, जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। चमकीले रेशमी नगोयुक्त वस्त्र को भगवान को समर्पित करें, 8 बार भगवान को झूला झुलाएं, चमकीले रंग के सितारों वाली बांसुरी भगवान को समर्पित करें, पेठे की मिठाई, कद्दू की बीजों की मिठाई भगवान को नैवेद्य के रूप में चढ़ाएं। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय नमः, इस मंत्र का जप करें, देखिए ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। मामले करेंगे कल्याण। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं मीन राशि वालों, आपके साथ सहयोगी आपके साथ अवश्य रहते दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी कोशिश करें सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करें, भगवान कृष्ण का स्मरण करें, उन्हें पीले वस्त्र, रेशमी युक्त वस्त्र, नगयुक्त वस्त्र जो है वो समर्पित करें। 3 बार उनको झूला अवश्य झुलाइएगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। पीले मांस की बांसुरी को भगवान को समर्पित करें, नारियल और धनिया की केसर वाली मिठाई नैवेद्य के रूप में भगवान को चढ़ाएं। ओम नमो भगवते कंज लोचनाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान का स्मरण करें, कल्याण होगा। ये भगवान के विभिन्न मंत्र हैं जो मैंने आपको विभिन्न स्वरूपों के साथ बताए, कोशिशें करें। ये पूरा दिन, पूरा समय जो है वो खासतौर पर कृष्णमय है, तो आज के शुभ योग में कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करते हैं उनके जीवन में कल्याणकारी योग बनते हैं। हेल्थी टिप्स में भी आज हम खास चीज लेके आ रहे हैं, माखन मिश्री के बारे में बताने जा रहे हैं। माखन मिश्री आजकल लोगों को बड़ा विचित्र भाव हो गया है, मक्खन खाने का प्रयास ही नहीं करते। जो बच्चे बाल्यकाल में मक्खन मिश्री नहीं खाते या कम खाते हैं,
तो उनका मस्तिष्क विश्वास पूरी तरह नहीं होता। भगवान कृष्ण ने क्यों अवतार के अंदर माखन मिश्री खा? ये एक प्राकृतिक औषधि है, तो प्राकृतिक तौर पर इसमें समस्त पोषक तत्व तो मजबूत होते हैं मौजूद, और इसके साथ आपके खासतौर पर अनेक प्रकार की आपकी जो कैपेबिलिटीज है, कार्य क्षमता है, उसको बढ़ाने की शक्ति देती है। तो माखन मिश्री दिमाग के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो बच्चों को तो अवश्य खिलाने का प्रयास करें, डेली डाइट में रखने का प्रयास करें। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, जिन लोगों के खास नेचुरल रूप में स्किन में ग्लो नहीं है, आप इस्तेमाल तो करके देखें माखन मिश्री का, लेकिन गाय की, शुद्ध देसी गाय की यदि माखन मिश्री को, माखन को इस्तेमाल करेंगे तो अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। माखन के साथ मिश्री मिलाकर आप यदि नित्य पति खाना शुरू करें थोड़ी सी रूप में, तो देखिएगा आपके सिर के बाल, जोड़ों के दर्द की समस्या अनेक प्रकार से दूर हो जाएगी। कई प्रकार से एंजाइटी के कारण सिर दर्द हो जाता है, उसमें भी माखन मिश्री अद्भुत रूप से लाभ देती है। त्वचा को निखारने के लिए भी माखन मिश्री का इस्तेमाल, आपके शरीर में नेचुरल ग्लो अद्भुत रूप से व्याप्त हो जाएगा, आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगा। कोशिश ये करें, इसका इस्तेमाल करें, भगवान को नित्यपति भोग लगाया करें, तुलसी के साथ खुद भी ले लीजिएगा, और ख़ासतौर पर हृदय रोग वालों के लिए भी बड़ा शुभ है। अगर थोड़े से रूप में नित्यपति बाल्यकाल से ही लेंगे तो आपका हृदय भी मजबूत रहेगा, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की गाय के मक्खन से नहीं बढ़ेगा बहुत ज़्यादा लेवल पर, लेकिन लिमिट से खाने का प्रयास कीजिए। और ख़ासतौर पर जिनको एसिडिटी की समस्या रहती है, यदि माखन मिश्री का कुछ दिन इस्तेमाल करें तो देखिएगा आपको उससे भी लाभ प्राप्त होगा। तो ये भगवान का आशीर्वाद है, तो कोशिश करें आज आनंद के साथ आप जन्माष्टमी मनाएं। और अब मैं आपको बहुत कुछ बताया मैंने आपको, तो अब मैं कार्यक्रम के अंत में आपको भगवान का प्रियतम स्तोत्र का पाठ करके आपसे विदा लूंगा, और भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए, वो है श्री पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त का मंत्र का श्रवण करते हुए आप आनंद के साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। आप जो भी कोई समस्या रही हो, आप नहीं देख पाए हो, तो आप कोशिश कीजिएगा इसको यूट्यूब पर डाल कर पुराना हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं, और जीवन में आज के कल्याण के योग में भगवान का स्तमन करते हुए इसका लाभ ले सकते हैं। ओम सहस्र शेर का पुरुगा सहस्राक्ष सहस्रपात सहो मिग्वं सर्वतस्मित्वात् प्रतिष्ठत दशांगुलम् पुरुख एवेदग्वं सर्वं यदभूतं यच भाव्यं ओतामृतत्वसे सानो जदन्ने नातिरोहति एतावानुष्य महिमा तु जायांश्च पुरुगः पादो स विश्वा भूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि त्रिपादो द उद्वैत्पुरुकः पादो स विश्वा भूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि